बॉयज को ना जल्दी प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन उन्हें हर सुंदर लड़की से हो जाती है। बट अगर बॉयज की प्यार की बात करें तो उनसे सच्चा लवर ना दुनिया में कोई नहीं है। उनकी कमिटमेंट, प्यार को लेकर उनकी फीलिंग्स और उनकी गहराई को समझने में वो सबसे आगे हैं। अगर किसी को दिल दे दिया तो फिर धोखा देने की बात वो कभी नहीं सोचते। बट अफसोस, कुछ लड़कियां ना इसका बहुत फायदा उठाती हैं। वो लड़कों की मेंटलिटी और साइकोलॉजी को समझकर उनका इस्तेमाल बहुत करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इनसे परेशान हैं, शायद आप भी उनमें से एक हैं। प्यार स्ट्रेस का नाम नहीं होता। अगर आपका पार्टनर गलत है तो आपको प्यार में इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेस जरूर होगा। 100% गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो में लड़कियों की वो सारे राज और सारे साइकोलॉजी कि किस तरीके से वो आपके दिल में इनसिक्योरिटी पैदा करती है और हमेशा आपके मन में बनी रहना चाहती हैं, कौन से वो ट्रिक्स लगाती हैं, आपको इस वीडियो से सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फ्यूचर में कभी भी कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगी और ना आपकी साइकोलॉजी से, आपके दिमाग और दिल से खेल पाएगी। नंबर 1, लड़की करती है इस्तेमाल करती है वो आपके अंदर खोने का डर पैदा करती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उस चीज के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे जिसे आपको खोने का डर होता है। आप उसके बारे में दिन भर सोचेंगे और बार बार उसे कॉल करना, मैसेज करना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे और इससे आपको इनसिक्योरिटी होगी। आप उसका ऐसे ख्याल रखेंगे जैसे कि कोई खजाना हो। लड़कियां इसका इस्तेमाल करती हैं और आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं ताकि आप उनके आगे पीछे लगे रहो। नंबर 2 है दूसरे लड़कों की तारीफ करना। आपके सामने जानबूझ के उसकी बॉडी, उसके फिगर, उसके स्टेटस का ना वो बहुत बखान करेगी। ऐसा इसलिए करती है ताकि आप खुद को कम समझो। वो आपको ये फील कराना चाहती है कि देखो मैं तुम पे दया कर रही हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें प्राउड करना चाहिए। और आपको यही चीज़ें सताती हैं। आप सोचते हो कि मुझसे एक बंदी पट गई, मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है कितनी अच्छी है, अगर ये मुझे छोड़ दे तो क्या होगा, कहीं दूसरे बंदे के पास चल गई तो क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी वो आपके माइंड में डालती है। नंबर 3 है पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और आपके स्टेटस को हमेशा कम बताना। वो हमेशा कंपैरिजन करेगी कि वो बेटर है, तुम कम हो। आपको आपका स्टेटस बार बार याद दिलाएगी, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, चाहे वो आपका टी शर्ट भी क्यों ना हो। आपको वो बार बार बताएगी कि आपकी मैच्योरिटी कितनी कम है, आपका सेंस कितना खराब है, आप अप टू डेटेड नहीं रहते। ये सारी चीजें वो हमेशा आपको जताएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। नंबर 4, फिजिकल एडिक्शन और फिजिकल परफॉर्मेंस को खराब बताना। फिजिकल एडिक्शन और फिजिकल परफॉर्मेंस ऐसी चीजें होती है ना जो हर लड़के को बहुत परेशान करती हैं। लड़कियां इसे अच्छे से जानती हैं कि लड़कों की क्या कमी है। वो अगर एक बार दिल दे बैठा और आपसे फिजिकली अटैच हो गया तो वो फिर कोई दूसरी बंदी के पास जाने से कतराएगा या फिर जाएगा भी नहीं। आप उनसे इतना प्यार करती हो कि अपनी दिल की बात उनके पास रखते हो और वो आपको ये बताती है कि देखो मैं तुमसे फिजिकल हुई, यानी कि मैंने तुम्हें अपनी इज्जत दी। अब तुम मुझे किसी और से चीट करोगे, तुम किसी और लड़की से बात कर रहे हो तो तुम मुझे चीट कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें वो आपके दिमाग में डालती हैं कि आपको उसमें बहुत बड़ी चीज़ दी है। और कई लड़कियां एडिक्शन यानी फिजिकल एडिक्शन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। फिजिकल परफॉर्मेंस भी इसमें ही आती है। फिजिकल परफॉर्मेंस, हर लड़के की फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत अलग होती है। कोई होता है बहुत ही एक्सपर्ट और कोई होता है एवरेज। चाहे जो भी हो, लव रिलेशनशिप में ये मायने नहीं करता अगर कोई आपसे प्यार करता है। बट लड़कियां ऐसा आपको फील कराती हैं कि आपका ड्राइव जो है यानी फिजिकल ड्राइव वो इतना अच्छा नहीं है। कोई और लड़की होती ना तो भाग जाती, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, ये आपको इनसिक्योरिटी जताने के लिए करती हैं। एक्स पार्टनर से मिला हुआ धोखा। धोखा प्यार में एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको बरसों याद रहती है, और इस धोखे की इनसिक्योरिटी के कारण भी लड़कियां आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपकी एक्स पार्टनर किस तरीके के थे। मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ, ये तुम पे एहसान कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि लड़कियों को अपनी पोजीशन और अपने पैसे का बहुत एटीट्यूड होता है। अगर वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गई तो फिर आपको कहीं का नहीं समझेगी, ये भी इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है।
नेक्स्ट है मेल फ्रेंड से ज्यादा दोस्ती. यूं तो दोस्ती मेल और फीमेल किसी से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका नजरिया क्या है? क्या आप ये दोस्ती जो मेल फ्रेंड से रख रहे हो वो अपने बॉयफ्रेंड अपने पार्टनर को इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए रख रहे हो? ये लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है कि बॉयज को दूसरे बॉयज से थोड़ी सी तो जेलसी होती है इस मैटर में कि मेरी गर्लफ्रेंड उससे इतना चिपक क्यों रही है. और लड़कियां ये ज़्यादा करती हैं, अपनी पर्सनल जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो उसे बताएगी, किसी थर्ड पर्सन को बताएगी और उस थर्ड पर्सन को बोलेगी कि ये बात जाके मेरे बॉयफ्रेंड को बोल दो. जब वो कोई इम्पॉर्टेंट बात आपको उसके थ्रू पता चलती है थर्ड पर्सन के थ्रू, तो आपको दिल में दुख होता है कि मुझे क्यों नहीं बताया. मुझसे बताती तो क्या मैं उसकी बात नहीं समझता? क्या मैं इतना भरोसेमंद नहीं हूँ? ये इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है. लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपको हर जगह अपना एज अ बॉयफ्रेंड या पार्टनर या फ्यूचर हस्बैंड कहके आपको कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे. पार्टीज हो, फैमिली फंक्शन हो, वो आपको कभी भी पूरे अच्छे दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी. ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है एक गलत पार्टनर के भी. कंक्लूजन कहें या फिर सॉल्यूशन कहें, क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि देखो सब कुछ आपके हाथ में है, आपके सिवा उनको बेहतर कोई नहीं समझ सकता. अगर आपका पार्टनर अभी ऐसा कर रहा है तो फ्यूचर में आप उनसे अपने मैरिज के प्रपोजल देने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लें कि क्या वो एक परफेक्ट है या नहीं. अगर आपको अभी से वो इतना नीचा फील करा रही है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचें. स्ट्रेस फ्री और एक फुल रोमांटिक लव लाइफ जिए. आई होप सो कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe.